समस्तीपुर लोजपा कार्यकर्ताओं ने आज 25 नवंबर को समस्तीपुर नगर कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। आगामी 28 नवंबर को लोजपा अपना 18वां स्थापना दिवस पटना में मनाएगी। इस कार्यक्रम में समस्तीपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता स्थापना दिवस में भाग लेगी। डी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं हमारे समस्तीपुर से लगभग लगभग 1000 के संख्या में लोग जाएंगे। क्या किस तरह का मेहनत है आप लोग का? हम लोग हर वार्ड में, हर गली में, हर कस्बा में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रहे हैं और उनको आह्वान भी कर रहे हैं और सभी तत्परता से अपना पैसा खर्चा करके हम लोगों के साथ चलने का काम करेंगे। पार्टी का 28 नवंबर को स्थापना दिवस है, 18वां, उसी की तैयारी की आज जिला कमेटी की बैठक हो रही है कि हमारे यहाँ से कार्यकर्ता की ज़्यादा संख्या वहाँ पे जाए, इसीलिए उसी की तैयारी के लिए बैठक हो रही है। क्या लग रहा है समस्तीपुर से कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ जाएगी? समस्तीपुर से अभी हम समीक्षा कर रहे हैं सारे प्रखंड अध्यक्ष से, सारे हमारे जिला कमेटी से, जिसमें अभी तक हम लोग 250 गाड़ी के आसपास हो गई है कि 250 गाड़ी पूरे कार्यकर्ता पूरे झंडा बैनर दलबल के साथ शामिल हो। कितने लोग होंगे समस्तीपुर से? समस्तीपुर से हमको लगता है कि 1000 से हमारा ऊपर ही कार्यकर्ता जाएंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे। तैयारी अभी तक है हमारी। कितने तारीख को है? 28 नवंबर के 28 नवंबर पार्टी का 17वां स्थापना दिवस, 17 वर्ष की पार्टी हो जाएगी 18वां स्थापना दिवस। उस संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई जिला लोक जनशक्ति पार्टी की। प्रदेश की महिला सेल की अध्यक्ष ने आपको बताया विस्तार से। पटना में अशोक का जो अशोक श्री कृष्ण मौर्य हॉल के बगल में जो हॉल बना है सभागार, उसमें यह स्थापना दिवस समारोह है। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की ऐतिहासिक धरती, समाजवादियों की धरती, और निश्चित रूप से हम क्योंकि बगल के दरभंगा जिला के लोग हैं और हमने जो तैयारियां देखी हैं अपने प्रमंडल में, दरभंगा में, मधुबनी में, बेगूसराय में, अगल बगल के जिलों में, तो जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी 18वें वर्ष में प्रवेश कर रही, पूरी तरह यौवन निखर गया हमारी पार्टी में, और हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक जवान के हाथ में जिस तरह सत्ता होती है, हमारे पार्टी ने भी उसी तरह युवा सम्राट आदरणीय चिराग जी के हाथ में कमान सौंपी है। संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हैं और उनकी जो तैयारियां हैं, जो बिहार का उनका भ्रमण हुआ है, जिस तरह बिहार में लोग पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, जो एक लोगों का, जो युवाओं का खासकर हमारी पार्टी के प्रति जो एक समर्पण भाव है, और प्रदेश में सरकार में शामिल होने के बाद देश में हम सरकार में हैं, और NDA की जो स्थिति है प्रदेश में, उस सबको मिला जुला कर ये कहा जाए कि नीलम जी ने 1000 लोगों की बात की, 1000 कार्यकर्ताओं की बात की, हमको लगता है कि नीलम जी इस जिला को शायद अपने पुराने अनुभव से थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोग होंगे, गाड़ी की कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि लगातार आदरणीय रामचंद्र पासवान हमारे सांसद भी हैं, मधुरभाषी, मधुर मिलन व्यक्ति, आप जानते हैं व्यक्तित्व का। तो ये जो तैयारी है वो हम लोग सिर्फ आपस में इसलिए कर ले रहे हैं कि दो दिन पहले हम लोग जान लें कि जिन 250-300 गाड़ी की चर्चा हो रही है, जिन 400-500 गाड़ी की चर्चा हो रही है, जिन साथियों की चर्चा हो रही है, वो चर्चा निश्चित रूप से जमीन तक गई कि नहीं। और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि बिहार के किसी जिले से समस्तीपुर जिला अपने इतिहास को दोहराते हुए कम नहीं होगा। और हम तमाम संगठन के साथी, जितेंद्र जी जिला अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हमारे बम्बम जी हैं, महिला सेल जो यहाँ बड़ी मजबूती से महिला सेल यहाँ आगे काम कर रहा, और पहली बार आपको बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी नरेंद्र मोदी के बाद जिस तरह लोग कहते थे कि पिछड़ता गया, समस्तीपुर में उस दिन आप देखेंगे कि अच्छी संख्या में मुसलमान भी उस सम्मेलन में संपूर्ण बिहार से आएंगे, विशेषकर समस्तीपुर से। इसलिए लब्बो लबाब मेरा यह है कि निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम होगा और 28 तारीख को रामविलास जी और चिराग जी के नेतृत्व में नई व्यवस्था, नए बिहार बनाने के संकल्प के साथ हम लोग 18वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। कितने लोग होंगे वहाँ पे? हम समझते हैं कि 20,000-25,000 कार्यकर्ता पूरे बिहार से निश्चित आएंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का समागम है, कोई हम रैली नहीं बुला रहे, इसलिए मैंने कहा कि 25,000 लोग 30,000 लोग होंगे। अगर रामविलास और चिराग पासवान कोई रैली बुलाते तो इतिहास साक्षी है, बिहार में मुस्लिम रैली किसी ने नहीं किया आज तक, हमने किया, हमारे नेता ने किया, और ऐतिहासिक गांधी मैदान में
हमने प्रदेश के लाखों मुसलमानों को जमा किया था। इसलिए मित्रों मित्र आपको ये बताना हम चाहते कि रामविलास जी जब रैली बुलाएंगे तो उस रैली किसी भी रैली को वो रैली छापेगी। ये कार्यकर्ता का समागम है और ऐतिहासिक समागम होगा आपके माध्यम से।